आपको पता है कि जब भी आप कार या बस में सफर करते हो तो आपको उल्टी क्यों आती है? और क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में एक ऐसी भी कंट्री है जिसमें जाने के लिए आपको कोई भी वीजा नहीं चाहिए? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फैक्ट नंबर वन, नॉर्वे देश से करीब 800 किलोमीटर नॉर्थ में एक आइलैंड है स्वालबार्ड नाम से। खास बात यह है कि यहाँ पर रहने के लिए या यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीजे की जरूरत नहीं है। दुनिया की शायद ये एक ऐसी लौती जगह है जहाँ पर जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको यहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल होना है तो बस आपके पास जॉब होनी चाहिए और रहने के लिए जगह होनी चाहिए इस आइलैंड पर, और आपको रहना अलाउड है, कोई वीजा अप्लाई नहीं करना। इस कंट्री में सिर्फ 2400 लोग रहते हैं और इनमें से एक तिहाई लोग इमिग्रेंट है, 50 अलग अलग देशों से आए हुए है। लेकिन अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पर सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है और गर्मियों में भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप शहर के थोड़े से भी बाहर ट्रेवल कर रहे हो तो अपने साथ एक राइफल लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर पोलर बियर की पॉपुलेशन ज्यादा है इंसानों के कंपैरिजन में। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है, कोई चोट लग जाती है या आप बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। आपको मेनलैंड नॉर्वे तक जाना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए। फैक्ट नंबर टू, कार या बस में बैठकर हमें उल्टी करने का मन क्यों होता है? दरअसल इसका रीजन हमारे कान और आंख है, क्योंकि हमारी आंखों को कार के अंदर सब स्टिल लगता है क्योंकि कार के अंदर कुछ मूविंग नहीं होता, लेकिन कान को पता चल जाता है कि हम मूव हो रहे हैं और इस वजह से हमारे कान और आंखों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और ब्रेन के अंदर अलग अलग सिग्नल्स पहुंचते हैं। इसके बाद ब्रेन को लगता है कि हमने कुछ गलत खा लिया है और ये इसी की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए हमारा ब्रेन पेट को सिग्नल देता है और जो पेट में है उसे बाहर निकालता है, और इसी की वजह से हमें कार में बैठकर उल्टी जैसा महसूस होता है। फैक्ट नंबर थ्री, ये कपल की फोटो आपको देखने में नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इस फोटो में जो ये महिला है ये मरी हुई है। इस शख्स ने ये फोटो अपनी पत्नी के मरने के 2 दिन बाद खींची थी। तब तक उसने ऐसा प्रिटेंड किया था कि उसकी वाइफ जिंदा है। इसका कहना था कि इसका और इसकी वाइफ का साथ में कोई अच्छा फोटो नहीं था, इसीलिए इसने ऐसा किया। आगे जाकर पता चला कि ये आदमी एक साइको था और इसे एक मेंटल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसने ऐसा किया।